नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। लेकिन कमोडिटी बाजार का अपडेट जानने से पहले और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन के जो केसेज हैं लगातार भारत में तेजी से फैलते ही जा रहे हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है, कई जगह हम देख रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू भी लागू है। उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ और आदि राज्यों में जो नाइट कर्फ्यू है वो लागू हो चुका है। और बिहार में भी ऐसी ऐसी पूरी संभावना है कि लॉकडाउन लग सकता है। और इसी लॉकडाउन में अगर आपको भी चिंता सता रही है कि आपका कारोबार कहीं एक बार फिर से बंद ना हो जाए, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आ गई है आपके कारोबार को बचाने और उठाने के लिए माई बिग ब्लिस ऐप, MYMYBIGBLISS माई बिग ब्लिस। माई बिग ब्लिस आपको घर बैठे बैठे अपनी दुकान चलाने का मौका दे रही है। करना छोटा सा ये काम है, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इस पर अपनी दुकान रजिस्टर कर लेनी है, अपना स्टोर बना लेना है। रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए और अपना स्टोर लाइव करने के लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक रुपया खर्च नहीं होगा, हर चीज़ मुफ्त है। बस आपको अपने फ़ोन में माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड करना है और अपनी दुकान रजिस्टर करनी है। और ज़रूरी नहीं कि आप पहले से ही एक व्यापारी हैं तभी इस ऐप पर अपना सामान बेच सकते हैं। आप अगर एक स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, एम्प्लॉई हैं, बुज़ुर्ग हैं जो रिटायर हो चुके हैं और अपना खुद का काम एक बार फिर से शुरू करना चाह रहे हैं, तो भी आप इस ऐप पर अपना सामान बेच सकते हैं, वो भी बिना एक रुपया खर्च करे। माई बिग ब्लिस ऐप आपकी सेल को ओमिक्रॉन में और लॉकडाउन के दौरान सिर्फ बचा नहीं रही है बल्कि बढ़ाएगी भी। तो तुरंत डाउनलोड करें माई बिग ब्लिस ऐप। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी बाजार के अपडेट की। सबसे पहले बात करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज़ में सोने और चांदी से। तो आज हम देख रहे हैं कि सोना इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर, गोल्ड $1,815 पर है और जो सिल्वर है वो $23 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। कल के मुकाबले देख रहे हैं कि सोने में आज कुछ हल्की बढ़त देखने को मिली है। कल को हमने सोना $1,800 के आसपास ट्रेड होते हुए देखा था। सुबह के कारोबारी सत्र में $1,803-$1,805 इसी रेंज में ट्रेड करता नज़र आ रहा था, लेकिन आज देख रहे हैं कि $1,813-$1,815 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। दरअसल धीरे धीरे जैसे जैसे अब ओमिक्रॉन और कोरोना के जो केसेस हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो अब जो एक सुरक्षित निवेश मांग है प्रेशियस मेटल की, गोल्ड की, अब वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उठने लगी है, दिखने लगी है मार्केट में। अब ऐसी चर्चाएं होने लगी हैं कि अब जो आगे है, विदेश की बात करें या देश की, दोनों जगहों पर लॉकडाउन के पूरे पूरे आसार हैं। अभी ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है, लेकिन इस बात की भी तो कोई पुष्टि नहीं हुई है कि लॉकडाउन कब से कब तक रहेगा या फिर किस तरह से इस बार लॉकडाउन लगाया जाएगा। क्योंकि जो डेथ केसेज हैं, जो डेथ रेट्स हैं ओमिक्रॉन से, अभी हाल फिलहाल में काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में सोने चांदी की कीमतें आगे कहां तक जा सकती हैं, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगेराम सीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि मार्केट सेंटीमेंट्स गोल्ड और सिल्वर के थोड़े चेंज होते हुए नजर आए हैं। जब से हम देख रहे हैं कि कल को दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू हो चुका है और अन्य राज्यों में भी नाइट कर्फ्यू है, विदेशों में भी लॉकडाउन के पूरे पूरे आसार हैं, कई राज्यों में वर्क का, कई देशों में वर्क फ्रॉम होम पर लौट चुकी है दुनिया, तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये जो सेफ हेवन डिमांड धीरे धीरे निकल के सामने आ रही है, ऐसे में सोने चांदी आगे तक इनकी कीमतें क्या रह सकती हैं? देखिए, अभी सोने और चांदी की कीमतें अगर $1,820 के ऊपर निकलती हैं तो $1,860 से $1,880 तक एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कि बना रह सकता है। और जिस तरीके से अभी डॉलर के अंदर गिरावट आते हुए देख रहे हैं, उसका भी एक असर आज सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। काफी रेंज बाउंड है फिलहाल मार्केट, धीरे धीरे कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी 1800 के ऊपर सस्टेन है, 1820 के बेहद करीब कारोबार करते हुए हम इसको देख रहे हैं। तो ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा प्राइसेस बाउंस बैक में रह सकते हैं और अपसाइड बना रह सकता है। जो भी प्रेशर आए उस प्रेशर के अंदर इसमें खरीदारी की तरफ ही रहना चाहिए और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में सोना $1,860 से $1,880 और डोमेस्टिक मार्केट में 49,000 से लेकर 50,000 के आसपास सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल देख रहे हैं कि WTI $76 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $79 पर। रूपा जी देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में हल्की सी करेक्शन के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है, लेकिन ओपेक प्लस की बैठक जो हुई थी उसमें यही निर्णय लिया गया है, जो पहले की प्लानिंग थी उनकी 4,00,000 बैरल पर डे वाली, कि उससे 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में इंक्रीज की जाएगी प्रोडक्शन, वो उसी पर ही स्टिक टू रहने का स्ट्रेटेजी डिसाइड की है उन सब ने। तो आपको ऐसे में क्या लगता है आगे कच्चे तेल में कैसा रुझान रह पाएगा?
देखिए कच्चे तेल में अभी फिलहाल जो है बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो अभी आज जो ऑयल के प्राइसेस ऊपरी स्तरों से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, दरअसल कल जो यूएस का स्टॉक का डाटा रिलीज हुआ है उसकी वजह से प्राइसेस के ऊपर डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फ्यूल स्टॉक पाइल्स जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और दूसरा ऐसा माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट जो है वो काफी कम रहेगा क्रूड की डिमांड के ऊपर, लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रेवल्स के ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं तो डिमांड जो है इफेक्ट होते हुए नजर आ सकती हैं। और इस इन सब चीजों के मद्देनजर और जिस तरीके से कल ओपेक के देशों की बैठक से नतीजा निकल कर आया कि 4 लाख बैरल पर डे के हिसाब से अगस्त तक इसको कंटिन्यूशन में रखा जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, तो अब जो फैक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फंडामेंटली मार्केट अभी भी सपोर्टिव है, बाजारों में तेजी का ही रुझान है, लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रेवल्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आती है तो फ्यूल की डिमांड घटती हुई दिखाई दे सकती है, फिर कच्चा तेल हो सकता है कि गिरता हुआ दिखाई दे, लेकिन अभी जो है बाजार काफी सीमित दायरे में एक्सपेक्टेड है कि घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। आज ऊपरी स्तरों से लुढ़का जरूर है हल्की करेक्शन के साथ, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि 72 से लेकर 78 इनफैक्ट ऊपर में 80 डॉलर तक भी एक बार मार्केट सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से आज इंट्राडे में कच्चे तेल में थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर रह सकता है, उस बिकवाली के अंदर खरीदारी की ही रणनीति रखकर चला जा सकता है। जी ये सिर्फ जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स का बाजार देख रहे हैं कि अच्छे लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आपकी क्या राय रहेगी? देखिए बेस मेटल में मुझे लगता है कि बाइंग में ही रहना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में के जो है आगे बढ़ोतरी की उम्मीद है और आगे चाइना से भी अच्छी डिमांड निकलने की उम्मीद है। ओवरऑल मुझे बेस मेटल्स काफी पॉजिटिव लगते हैं, मेरे हिसाब से बेस मेटल में बाइंग में ही रहना चाहिए। अभी जरूर बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो कॉपर हो या फिर निकल हो, सब में बाजार जो है रुक सा गया है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। कॉपर लगातार 740 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से 760-780 की रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है आने वाले समय में। और वहीं अगर बात करें निकल की, तो निकल में भी अपसाइड मोमेंटम है, मेरे हिसाब से बेस मेटल के अंदर बाइंग में रहना चाहिए। जी रूपा जी टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप आज के लिए नॉन एग्री कमोडिटीज में, जिसमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए आज इंट्राडे में मुझे लगता है थोड़ा बहुत गोल्ड ऊपर जा सकता है, गोल्ड के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है, वहीं निकल अच्छा लग रहा है, यहाँ से कॉपर और निकल दोनों ही कमोडिटी अच्छी लग रही है, निकल आज मुझे लगता है कि 1600 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।